प्रणाम है आपको, आप एकदम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बिहार के युवाओं के जीवे भविष्य में ऐसी से तैसी करने में, कोई अपना कोर कसर नहीं छोड़ा है, एकदम आप ठेका लिए हुए हैं कि आओ मेरे पास मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। BSSCA ऐसा आयोग है, अगर उसके चक्कर में आप पड़ गए आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। बिहार में युवाओं के जवानी को बर्बाद करने वाला ये आयोग है, कोई दो राय नहीं है। बताइए, एक साल हो गया और कैंडिडेट को पता ही नहीं है, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि BSSCA चाहती है कि उनके दफ्तर के बाहर 1,000-1,500-2,000 लड़के आके धरना प्रदर्शन करे, आए आए मुर्दाबाद करे, तभी वो नोटिस देंगे या डेट देंगे परीक्षा का। हमारे पास आज कोई अपडेट नहीं है, होगा भी तो हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है हम भी उनके वेबसाइट का अद्यतन अवलोकन कर रहे हैं कि देखिए 2-3-5 साल में जो है वो नोटिस कहीं दे दे कि हम परीक्षा कब लेंगे। कार्यालय पर जाने में ऐसे तरीके से व्यवहार किया जाता है कि लगता है कि देश के सुरक्षा का सारा डॉक्यूमेंट, सारी जानकारियां उसके गेट के अंदर घुसने के बाद से लीक कर जाएगा, वो सब पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, चाइना को वो मिल जाएगा, ऐसा लगता है जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। आपको बता दें कि हमने भी आपको कई बार अपडेट किया कि इस समय परीक्षा होगा। आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि नवंबर में परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिर कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम शुरू होगा, और इस महीने के अंत तक एक नोटिस जो है वो सूचना मिल रही है कि आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा और एग्जामिनेशन का शेड्यूल के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सारे दावे जो हैं वो फेल हो रहे हैं, जो भी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली सारे के सारे गलत हो रहे हैं। और आपको हम बता दें कि BSSC को लेकर जो हमने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट तो वहां से सूचना मिलती नहीं है, वो अलग अलग 3-4 चैनल प्रयोग करने के बाद जानकारी मिलती है, और उन लोगों से बात करने पर वो लोग भी काफी परेशान हैं। उनका भी कहना है जो सोर्स है कि क्या बोले अब हम, हमारे बातों का भी बेइज्जती हो गया। पता नहीं ये आयोग कैसे काम कर रहा है कि कोई एक डेट फिक्स न कर पा रहा है और ना ही बता पा रहा है। और बता दे आपको कि हमारे पास आज कोई अपडेट नहीं है, होगा भी तो हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है हम भी उनके वेबसाइट का अद्यतन अवलोकन कर रहे हैं कि देखिए 2-3-5 साल में जो है वो नोटिस कहीं दे दे कि हम परीक्षा कब लेंगे। कितना सुस्त आयोग है बिहार में, आप देख लें कि एग्जामिनेशन को लेकर जितने भी आयोग हैं, चाहे वो BPSC के अंतर्गत जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं, दरोगा आप देख लें एक साल के अंदर में जो है वो 1275 की बहाली कर दी गई, ज्वाइनिंग भी हो गया। इसके अलावा सिपाहियों का अगर पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो अभी तक भी उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही होती। लेकिन ये BSSC आखिर क्या है कि एक साल होने जा रहा है फॉर्म फिलअप हुए और एकदम गहरा नींद में सोया हुआ है, कोई परवाह नहीं, न सरकार का परवाह है कि सरकार के पास हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे। 25 लाख कैंडिडेट्स को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है, अपने मनमौजी के भरोसे छोड़ दिया गया है कि अपना जब मन होगा, जब दुनिया के सारे एग्जाम समाप्त हो जाएंगे वो दिन आएगा तब हम इत्मीनान से परीक्षा लेंगे, यही तो इनका उद्देश्य लगता है। अब देखिए कि पहले BSSC में जो है जनरली रिटायर्ड या रिटायर्ड के आसपास जो भी अफसर होते थे उनको तैनात किया जाता था, अभी जो है वो नवयुवक ज्यादा दिन सर्विस में नहीं हुआ है वो अधिकारी तैनात हैं। लेकिन उनके आने के बाद भी ये गांव में कहावत चलता है ना, बुढ़वा बैल, कितना भी उसको चाबुक लगा दीजिए वो खड़ा नहीं होता है या तेज नहीं चलता है, वही स्थिति BSSC का बना हुआ है। और जो भी अधिकारी आए इसके रफ्तार में गति नहीं दे पाए अब तक। बहुत ही अफसोस होता है
बिहार बहालियों का राज्य बना हुआ है और एक बीएसएससी जो कि कर्मचारियों की बहाली करने वाला है वो एक एक साल तक कान में तेल डाले सो रहता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि बीएसएससी ऐसा आयोग है, अगर उसके चक्कर में आप पड़ गए आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। बिहार में युवाओं के जवानी को बर्बाद करने वाला ये आयोग है, कोई दो राय नहीं है। बताइए एक साल हो गया और कैंडिडेट को पता ही नहीं है और कार्यालय पर जाने में ऐसे तरीके से व्यवहार किया जाता है कि लगता है कि देश के सुरक्षा का सारा डॉक्यूमेंट्स सारी जानकारियां उसके गेट के अंदर घुसने के बाद से लीक कर जाएगा, वो सब पाकिस्तान को अफगानिस्तान को चाइना को वो मिल जाएगा, ऐसा लगता है जानकारी। किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, गेट पर जो संतरी रहते हैं उन वो आपके न मिलने के 200 बहाने तैयार रहते हैं उनके पास। और इंक्वायरी में जाइए, वहां है कि कोई जानकारी नहीं, इंक्वायरी में एक आदमी को बस बैठाया रहता है बस कि जो भी जाए उसको बस किसी तरह घुमा फिरा के टाटा बाय बाय कर दो और वेबसाइट का अद्यतन अवलोकन करते रहे। और कितना दिन करेगा कोई आपका वेबसाइट का अवलोकन? क्या उसी के लिए लोग बना हुआ है कि आपके वेबसाइट को बैठकर वो निहारते रहे कि कब आप दीजिएगा? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या काम कर रहे हैं आप कि आपको एक साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि परीक्षा हम कब लेंगे कैसे लेंगे? आपका कार्य प्रणाली सही नहीं है, एकदम से सही नहीं है। और सरकार को सबसे पहले एक बड़ी सर्जरी जो है वो बीएसएससी में करनी चाहिए, उसके कार्य प्रणाली में करनी चाहिए। आखिर सुस्ती का वजह क्या है? 25 लाख से अधिक कैंडिडेट को भाग्य भरोसे छोड़ दिए हैं, कुछ बताने को आप तैयार नहीं है, टेंटेटिव डेट तक आप नहीं बताते हैं। एग्जामिनेशन कैलेंडर एक बार जारी किया गया सीजीएल 3 के समय में, कोई पालन नहीं हुआ। यानी कि आप मान के बैठे हुए हैं कि हमारा जब मर्जी होगा, हमें जब सुविधा मिलेगा, हम जब तैयार होंगे तभी हम परीक्षा लेंगे। बताइए जो सोर्स हैं, जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं, जिनके मार्फत हमने 2-3 जानकारी द्वितीय इंटर लेवल से संबंधित निकाला, सरासर गलत हुआ। और ये बता दें आपको कि जो जानकारी निकाल देने वाले लोग थे कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, उनके मार्फत भी सही जानकारी निकली थी, लेकिन इन लोगों का कार्य प्रणाली इतना स्लो है कि वो भी पूरा नहीं कर पाए जो ये टारगेट दिए थे कि नवंबर में इस परीक्षा को पूरा कर देंगे, कम से कम पीटी ले लेंगे हम, वो भी नहीं कर पाए ये लोग। जानकारी सही थी कि नवंबर में होगा, लेकिन इन लोग का काम जो है नवंबर में डिसाइड किया लो कि जून में, कि हम जून में ये लोग डिसाइड किया कि हम नवंबर में पूरा पीटी एग्जाम ले लेंगे, लेकिन इन लोगों का काम ऐसा सुस्त है कि नवंबर भी फेल कर गया, फिर दिसंबर में सूचना मिली लेकिन कोई नोटिस अब तक नहीं आया। अजीब है ये आयोग, प्रणाम है आपको। आप एकदम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बिहार के युवाओं के भविष्य में ऐसी से तैसी करने में, कोई अपना कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एकदम आप ठेका लिए हुए हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। 8 साल आप ले गए प्रथम इंटर स्तरीय के छात्रों का, उर्दू अनुवादक का देख लीजिए, 5 साल से अधिक से चल रहा है मामला। प्रचारी का जो है, परिचारी का बहाली 2012 से लटकाए हुए हैं। महान हैं आप, और हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई बोले नोटिस जारी कर देंगे आप। छवि धूमिल की जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। किसी भी युवा का 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में वो 10 साल जो मिलता है वो काफी बहुमूल्य होता है, दोबारा वो नहीं मिलता है। पहले तो आप विश्वविद्यालय लेवल पर बर्बाद करते हैं, 3 साल का कोर्स 5-6 साल में बर्बाद होता है यहां पर वो लगता है। उसके बाद छात्र कैसे जैसे तैसे पटना की तैयारी करते हैं और एक एक परीक्षा में आप 5-6-7-8-8 साल लगा देते हैं। सुधरिए कुछ, अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाइए। गुजारिश करते करते न जाने कितने छात्र जो है वो बेरोजगार रह गए।
कोई दूसरी दूसरी उनकी नौकरी नहीं लग पाई, आपके कारण बर्बाद हो गए। 1767 जो प्रथम इंटर स्तरीय के जो कैंडिडेट हैं, वह क्या उनकी स्थिति है, आपके ही गलत निर्णय प्रक्रिया के तहत वो बाहर हो गए, सीटें खाली रह गई, 8 साल बर्बाद भी हो गया। गुजारिश है कि कम से कम बिहार के हित में, बिहार के युवाओं के हित में आप सोचे, अपनी नौकरी बचाने के लिए और उसके लिए ना सोचे। बहुत नाराजगी है छात्रों में आपको लेकर, अति हो गया, आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बीएसएससीए चाहती है कि उनके दफ्तर के बाहर 1000-1500-2000 लड़के आके धरना प्रदर्शन करे, आए आए मुर्दाबाद करे, तभी वो नोटिस देंगे या डेट देंगे परीक्षा का। क्योंकि पहले की परीक्षाओं में हम देख चुके हैं, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है उसके हर एक चीज के लिए छात्र नेता दिलीप और 1000-2000 लड़कों को वहां पर जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद हाय हाय का नारा लगाना पड़ता था। एग्जामिनेशन का डेट हो, रिजल्ट के लिए जो है फॉर्म भराने के लिए हो, फिर मेंस के लिए हो, फिर एनसीएल के लिए हो, फिर रिजल्ट के लिए हो, हर एक बार वहां पर धरना प्रदर्शन के बाद ही बीएसएससी की आंख खुलती है। अब लग रहा है इस साल छात्र नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई हम एग्जाम के लिए फॉर्म भी फिलअप करवाए होंगे। महाराज जागिए, फास्ट होइए, दुनिया 5G में आ गई है, 6G आने वाला है, और आप अभी जो हैं वो WLL के तार वाले पे ही लटके हुए हैं। गुजारिश है जल्द से जल्द एग्जाम दिया जाए और कम से कम एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी बताया जाए, आप बढ़ा लीजिएगा उसके बाद डेट, लेकिन कम से कम दिलासा के लिए भी एक टेंटेटिव डेट जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से जारी कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।